रिवरफ्रंट एक ऐतिहासिक धरोहर, छठवर्ती महिलाओं के लिए सजधज कर तैयार। आपको बता दें कि रुद्रपुर में सिमरौना बथुआ रिवरफ्रंट आज जनपद ही नहीं पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन चुका है। बथुआ रिवरफ्रंट जो आज मुंबई जुहू बीच के नाम से भी लोग संबोधित करते हैं, रिवरफ्रंट पर लोक आस्था का पर्व छठ त्योहार पर हजारों हजारों की संख्या में महिलाओं और भक्तों का हुजूम उमड़ता है। सोमवार को जिलाधिकारी ने आकर बथुआ रिवरफ्रंट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने तत्कालीन चेयरमैन छठेलाल निगम द्वारा 2012 से 2017 के कार्यकाल में 5 करोड़ की लागत से बनाए गए बथुआ रिवरफ्रंट की भूरी भूरी प्रशंसा के साथ ही वर्तमान अध्यक्ष प्रतिनिधि छठेलाल निगम की प्रशंसा कर बधाई दी। इस दौरान उन्होंने बथुआ रिवरफ्रंट का और विस्तार करने की बात कही। जानकारी के लिए बता दें कि रुद्रपुर उपनगर से सटे सिमरौना घाट आज के 8 साल पहले अस्त व्यस्त हालत में था। छठ घाट पर आने जाने वाली महिलाएं नदी में उतरकर सूर्य को अर्घ नहीं दे पाती थी, जहां छठ त्योहार पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते थे। किंतु जब से बथुआ रिवर फ्रंट का निर्माण हुआ है, हजारों की संख्या में महिलाओं का हुजूम उमड़ता है। टेलीफोनिक वार्ता में अध्यक्ष प्रतिनिधि ने बताया कि आने वाले कुछ दिनों में बथुआ रिवर फ्रंट के उस पार भी छठ घाट का निर्माण होगा, साथ ही बथुआ रिवर फ्रंट को मुक्ति धाम तक जोड़ने का कार्य किया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि नदी में कमर तक पानी की व्यवस्था की जाएगी। मनोरंजन के लिए नदी में नाव की व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद बथुआ रिवर फ्रंट सीसीटीवी कैमरे से लैस होगा। इसी के साथ नगर के 52 चिन्हित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाना है, जिसमें से नगर में होने वाले दंगा फसाद आदि पर कंट्रोल किया जा सके। बीएनवाई न्यूज के लिए रुद्रपुर से राम प्रताप पांडे की खास रिपोर्ट।